सोर्सेज की माने तो फिल्म पीके के डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने अपने घर को एडिटिंग स्टूडियो में तब्दील कर दिया है। सोर्सेज का कहना है कि राजू दिन भर अपनी फिल्म के एडिटिंग प्रोसेस को खुद ही मॉनिटर करते हैं और साथ ही राजू के इस स्टेप की वजह से फिल्म का कोई लुक और ना ही फिल्म की कहानी अब तक मीडिया में लीक हुई है। सोर्सेज की माने तो पाकिस्तानी एक्टर्स अली जफर और फवाद खान बहुत जल्द एक बॉलीवुड फिल्म में साथ काम कर सकते हैं। सोर्सेज का कहना है कि इन दोनों एक्टर्स ने खुद ही इस फिल्म पर काम करने का फैसला किया है और साथ ही इन दोनों एक्टर्स ने इस फिल्म को प्रोड्यूस करने का फैसला भी किया है, जिसमें दो बॉलीवुड एक्ट्रेसेस नजर आ सकती हैं। शत्रुघ्न सिन्हा और अमिताभ बच्चन की फैमिली के बीच चल रही प्रॉब्लम्स खत्म हो चुकी हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने एक न्यूज़पेपर से बातचीत करते हुए कहा है कि रिसेंटली बिग बी ने अपने घर हुई एक पार्टी पर उन्हें बुलाया था और यहां वो अपनी पूरी फैमिली के साथ पहुंचे थे और अब बिग बी और उनकी फैमिली के बीच सब कुछ ठीक ठाक है। अर्शद वारसी जैकी भगनानी स्टारर फिल्म वेलकम टू कराची की कुछ पिक्चर्स मीडिया में आई है। इन पिक्चर्स में अर्शद और जैकी को हाथ में राइफल लेकर पोज करते हुए दिखाया गया है। सोर्सेज की माने तो इंडियन टीम के 1983 विन पर बनने जा रही फिल्म में इंडियन कैप्टन कपिल देव का रोल रणदीप हुड्डा प्ले करते हुए नजर आ सकते हैं। कहा जा रहा है कि इस रोल के लिए रणदीप को काफी पहले अप्रोच किया गया था और अब रणदीप भी इस फिल्म में काफी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। खबरों की माने तो करण जौहर अपनी फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर के सीक्वल में एक्टर टाइगर श्रॉफ को साइन करना चाहते हैं और इस सिलसिले में करण ने टाइगर से मुलाकात भी की है और साथ ही कहा जा रहा है कि टाइगर ने इस फिल्म में काम करने के लिए हाँ भी कह दिया है। सलमान खान अपनी होम प्रोडक्शन में बन रही फिल्म हीरो को प्रमोट करने के लिए एक खास स्ट्रेटजी बना रहे हैं। सोर्सेज की माने तो सलमान खान आजकल इस फिल्म की मार्केटिंग टीम के साथ मिलकर खास स्ट्रेटजी बना रहे हैं। सलमान खान ने प्लान किया है कि वो टेलीविजन से लेकर इवेंट्स तक पर खुद इस फिल्म को प्रमोट करेंगे। इस फिल्म से सुनील शेट्टी की डॉटर अथिया और आदित्य पांचोली के सन सूरज बॉलीवुड में डेब्यू कर रहे हैं। सोर्सेज की माने तो एक्ट्रेस काल्की कोचलिन को मुंबई में नहीं मिल रहा है रेंटेड अपार्टमेंट। जी हाँ, काल्की पिछले कुछ दिनों से मुंबई में एक घर की तलाश में है, लेकिन सिंगल होने की वजह से काल्की को अपार्टमेंट नहीं मिल पा रहा है, जिसे लेकर वो काफी ज्यादा टेंस है। खबरों की माने तो अब्बास मस्तान की अपकमिंग कॉमेडी फिल्म में अरबाज खान एक डेफ डॉन का किरदार प्ले करते हुए नजर आएंगे। इस फिल्म से कॉमेडियन कपिल शर्मा बॉलीवुड में डेब्यू कर रहे हैं। साथ ही इस फिल्म में सलमान खान की करीबी एली अब्राम भी नजर आएंगी।